इसलिए बच्चों को पढ़ाना बहुत अति आवश्यक है। प्रोग्राम चैनल में तो क्यों बुलाया भाई, क्या बात है, मैं कोई गलत बोल रहा हूं? चुनाव से पहले नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, यह सब जानते हैं, लेकिन नेता अपने शीर्ष नेताओं का और उनकी योजनाओं का महिमा मंडन कुछ ऐसे कर जाते हैं कि जनता सोच में पड़ जाती है कि आखिर जब योगी मोदी ने एक व्यक्ति के पैदा होने से लेकर उसकी मरने तक के बाद का इंतजाम कर रखा है तो उन्हें इन योजनाओं का लाभ मिल क्यों नहीं रहा। दरअसल हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बड़ बोले मंत्री मंडूलाल कोरी की। जी हाँ, वैसे तो यह अपने बयानों के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। कल भी झांसी जिले के मऊरानीपुर में मंत्री जी को जल विहार कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था, जहां मंत्री जी ने पहुंचते ही योगी मोदी की योजनाओं का जमकर बखान किया। यहाँ उन्होंने मातृ योजना, आरोग्य योजना, विवाह योजना, मुद्रा लोन योजना, बच्चों की शिक्षा योजना, किसानों की योजना वगैरह वगैरह सारी योजनाओं के पत्ते जनता के सामने खोल दिए। यहाँ पर कई बार मंत्री जी योगी जी को योजना को, मोदी जी की योजना को तो कई बार बढ़ा चढ़ाकर महिमा मंडन में काफ़ी देर तक डूबे रहे। इस भाषण से जब अन्य कार्यक्रम में विलम्ब हुआ, जब मंच संचालक को मंत्री जी को भाषण छोटा करने को कहा गया, तो मंत्री जी इस कदर बिफर गए कि उन्होंने मंच से ही यह कह दिया कि मुझे बुलाया ही क्यों था, क्या मैं गलत कह रहा हूँ। चलिए आप स्वयं देख लीजिए पूरा भाषण और मंत्री जी का गुस्सा। इसलिए बच्चों को पढ़ाना बहुत अति आवश्यक है। प्रोग्राम चैनल में तो क्यों बुलाया भाई, क्या बात है, मैं कोई गलत बोल रहा हूँ? इसलिए बच्चों को पढ़ाना बहुत अति आवश्यक है। प्रोग्राम चैनल में तो क्यों बुलाया भाई, क्या बात है, मैं कोई गलत बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं श्रम सेवा आयोजन का राज्य मंत्री हूँ, इसलिए मुझे भी बताना जरूरी है। तो ये मैं बताऊंगा तो आपको भी एहसास हो जाएगा कि हम वास्तव में क्या बात है। श्रम सेवा आयोजन, आप लोगों को केवल श्रम कार्ड बनाना है, श्रम कार्ड बनवाने से आपका पूरा परिवार ये मोदी योगी के द्वारा सफल परिवार बनेगा। इसमें आपकी बच्ची को 65,000 रुपया मिलता है, खाते में पहुंच जाता है, और उसको 5,000 लड़की को मिलता है, 5,000 नगद लड़के को मिलता है, जिससे वो अपना सामान ले सकते हैं। इसके अलावा उसके लिए 10 परिवार उनके परिवार के लोग रिश्तेदार, और लड़की वाले के 10 परिवार रिश्तेदार, उन सभी को भोजन सामग्री और दहेज प्रथा का सामान, दहेज का सामान भी उनको दिया जाता है, और सब पूर्ण कार्य किए जाते हैं। ऐसे हमारी माता बहनों को भगवान ना करे कि कोई मजदूर कोई मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो जाए, फोर व्हीलर से एक्सीडेंट हो जाए, पहाड़ से गिर जाए, तो उसके लिए भगवान ना करे कि वो मर जाए, लेकिन उसको 5,00,000 रुपया मिलता है। आपको फ्री में कार्ड बनवाने से 5,00,000 रुपया मिलता है गरीब परिवार को, जिसके पास कार्ड होता है। मैं अपने सर पर कसम खाता हूँ कि आप कार्ड बनवाइए और मदद कीजिए और फोन करिए और फोन के द्वारा बनवाइए, ऑनलाइन बनवाइए, ऑनलाइन कार्ड बनते हैं। हमारी बहन बेटियों के लिए 25,000 रुपया लड़के होने पर मिलता है, और लड़का होने पर 20,000 रुपया मिलता है। और अटल आवासीय विद्यालय जो बने हुए हैं 18, उनमें आप प्रवेश कराइए, कक्षा 6 से इंटर तक आपको फ्री पढ़ाई, कापी किताबें, जूता मोजे, पलंग, सोने के लिए, खाने के लिए, लेटने के लिए, और क्रिकेट टूर्नामेंट और फुटबॉल और सभी आपको फ्री कार्य होते हैं। मैं आपको बता दूं, आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए 1 पैसा नहीं लगेगा, और ना कोई आपके साथ ऐसा काम होगा कि आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। आज जो मोदी योगी जी ने दिया है वो आपको मालूम है,
आपको राशन पानी देकर के आपका जीवन उज्जवल बनाया है, आपको आयुष्मान कार्ड देकर के आपका जीवन 5 लाख का आप कहीं भी इलाज करा सकते हैं। ऐसे ऐसे कार्य हमारे माननीय योगी जी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ संस्कृति और संस्कारित लोग रहते हैं। आज ये लखनऊ वाला हम जो कार्यक्रम इस मौलानीपुर में चल रहा है, ये सब भगवान की लीला होती है। गॉड इज वन, गॉड इज द ग्रेट। इसमें संसार से इससे बड़ा कोई नहीं है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग ऑन दिस टाइम। आप लोग ध्यान करें, अपने काम को करें और अपना भगवान से आशीर्वाद लें और बच्चों को जरूर पढ़ाएं। बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। बच्चों को चाहे हमें रोटी कम खाएं, आधी रोटी कम खाएं, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं, ये बात का ध्यान रखें। आप लोगों ने अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाया, इसलिए आज हमारी सरकार कहती है कि आप बच्चों को फ्री पढ़ाइए। हर चीज आपको फ्री कर दी है, इसलिए बच्चों को पढ़ाना बहुत अति आवश्यक है। प्रोग्राम चाहे मैं तो कल बुलाया भाई, क्या बात है, मैं कोई गलत बोल रहा हूँ? मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं 4 लाइन कह के खत्म कर दूंगा। मैं जल से पतला कौन है और कौन भूमि से भारी और कौन अग्नि से तेज है, कौन पादल से कारी। जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी और क्रोध अग्नि से तेज है, सो चलन काजल से कारी। भजरे राम राम राम, सीता राम राम राम। लखाटोल का काम है, लखाटोल आज विश्व में आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं। आज मौलानीपुर का नाम लखाटोल के नाम से विश्व में प्रसिद्ध है। ऐसे भगवान होते हैं। राधा तुम बड़ी भागनी, कौन तपस्या की, और तीन लोग तारण तरण सो तुम्हारे आधीन। ये सब बातें गॉड इज वन, गॉड इज द ग्रेट। मैं 4 लाइन मोदी योगी के बारे में कहूंगा कि सोई हुई जनता थी उसको जगा दिया, बन के मसीहा, जख्मों पर मरहम लगा दिया। गरीब मजदूर किसान और जवान बन जाता है हाकिम, मोदी जी योगी जी और पूरी जनता ने ऐसा करके दिखा दिया। बस आपको क्या करना है, 2024 में हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री केंद्र सरकार में ना तो हमें हाथी देखना है, ना साइकिल देखना है, ना पंजा देखना है, हमें माँ लक्ष्मी का कमल का फूल देखना है और कमल के फूल को जिताना है, जिससे हमारा राज्य पूरा देश ऐसा बलवान बने कि जैसा हमारा सोने की चिड़िया पहले था भारत, वैसा भारत सोने की चिड़िया बनके मोदी और योगी दिखा देंगे। इस बात का मैं समर्थन करता हूँ, आप लोगों से भीख मांगता हूँ, आप लोगों के चरणों में रहता हूँ। मैं आपके चरणों में विनती करता हूँ कि 2024 में कमल के फूल में वोट डालें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपका बहुत आभार। आप जो है वो है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री। इस कार्यक्रम मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट। स्पेस मून सिटी JTA अप्रूव, शहर के प्रदूषण से मुक्त, हरे भरे शांतिपूर्ण वातावरण में बनाएं अपना आशियाना। स्पेस मून सिटी झांसी का सबसे आधुनिक 24 एकड़ में विस्तृत वर्ल्ड क्लास टाउनशिप, 3 टायर सिक्योरिटी, 24 घंटे पावर बैकअप, बेसमेंट कार पार्किंग, चिल्ड्रन पार्क एंड प्ले एरिया, 2, 3 और 4 BHK फ्लैट के साथ लग्जरी प्रीमियम विलास, बेहतर लाइफ स्टाइल के लिए क्लब, पूल टेबल, बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस, हाई क्लास जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट एंड बैंकेट हॉल। बुंदेलखंड की पहली ऐसी टाउनशिप जहां आपको मिलेगी रिसोर्ट वाली फीलिंग। आलीशान लिविंग स्टाइल के लिए चुने स्पेस मून सिटी, भगवंतपुरा रोड, झांसी।
स्पेस मून सिटी।